अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंतजार करवाया आप लोगों को और अब इंतजार होता है आप लोग का खत्म। तो मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस देता हूँ। गोल्ड, बिटकॉइन, यूरो, यूएसडी, एयूडीयूएसडी, डाउ जोन्स, नैस्डैक, इन सब के आपको टेक्निकल एनालिसिस देता हूँ। और इसी के साथ साथ कैलकुलेटिव एनालिसिस के साथ साथ आपको मार्केट का बिहेवियर बताऊंगा कि मार्केट आगे क्या करने वाली है और आपका भाई इतने दिन से कहाँ गायब था, क्या कर रहा था। और आप लोग इतने भी मैसेज कर रहे थे, कुछ लोगों को रिप्लाइज मिल रहे थे, कुछ लोगों को रिप्लाइज नहीं मिल रहे थे। और इन डिटेल सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आए थे मार्केट के टेक्निकल एंड फंडामेंटल कैलकुलेटिव एनालिसिस पे। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले हम देखते हैं हमारा मोस्ट फेवरेट प्लेयर, जिसके हम तो बादशाह हैं और लोगों को भी हमने वजीर बना दिया है। अच्छा, गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड पे अभी गोल्ड को हम D1 में देखते हैं, तो गोल्ड एक सर्टेन एरिया की रेंज में है, विच इज अराउंड 2450 टू 2280। सही, गोल्ड इस 2000-2500 पिप के रेंज में फंसा हुआ है। सही, अब हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड अभी तक अपना प्रॉपर जो सिनेरियो दिखा रहा है D1 में, week 1 में और मंथली में, उसमें तो गोल्ड हमें बुलिश ही प्रोजेक्शन दिखा रहा है। अच्छा, अब हम इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, हम आ जाते हैं फिर छोटे टाइम फ्रेम में। H4 में आते हैं हम। तो H4 में प्राइस ने क्या सिनेरियो दिया, प्राइस ने अपना एक हाई बनाया था। मैं आपको स्ट्रेट स्ट्रेट मार्केट पे लेके जाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, और अगर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो तो आप एक बेहतर ट्रेड ले सकते हैं और आप फंसने से बच सकते हैं। आपको यहाँ पे प्राइस का हाई दिख रहा है 2450 का। इसके बाद फिर प्राइस ने एक लो बनाया यहाँ पे, फिर प्रॉपर जो लो बना वो यहाँ पे बना, क्योंकि हमारा जो इस हाई से पहले का जो एक बड़ा लो था वो यहाँ पे था। अच्छा, जो लो था वो था 2287 का, उसका प्राइस ऊपर गई, प्राइस ने 2370 2370 तक का प्राइस ने हाई दिया। उसके बाद लो जो बनाया वो लो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद फिर हाई बनते गए प्राइस के। अगर हम D1 में देखें, H4 में देखें, तो यहाँ पे प्राइस अभी भी हमें एक रेंज में सर्टेन एरिया में फंसी हुई दिखेगी। लेकिन अगर हम H1 में देखेंगे तो वहां पे हमें थोड़ी चीजें डिफरेंट मिलेंगी। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं H1 में। H1 में क्या सिनेरियो दिख रहा है प्राइस का। H1 में जैसे ही प्राइस है, ये वाला एरिया है 2392 टू 2388। सही है, हम प्रॉपर एरिया ले लेते हैं 2392 2386 का। ये दो एरियाज हमने ले लिए। अब इस क्लस्टर एरिया को जब प्राइस डाउन साइड ब्रेक करेगी तो प्राइस एक अच्छा बड़ा फ्री फॉल सेलिंग का मूव देगी, तो उसमें आप एक अच्छा सेलिंग का मूव कैश कर सकते हैं। आप सबने देख लियो, 13 जुलाई को आपने देखा होगा क्या, 13 जुलाई को अमेरिका में एक रैली में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है, और वो कोई आम अटैक नहीं हुआ है जैसे कि लोग बोलते हैं कि ऐसा हो गया, प्लेन अटैक हो गया, ये हो गया, एक्स वाई जेड। वो प्रॉपर एक अटैक हुआ है, और प्रॉपर अटैक किस वजह से, उसके पीछे बहुत पीछे रीजंस हैं। उस पर डिटेल अगर मैं वीडियो बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको शॉर्ट शॉर्ट चीजें बता दूं। देखें, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा वाहिद बंदा है जो क्रिप्टो को फेवर करता है, जिसकी वजह से क्रिप्टो की मार्केट डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में हमेशा आपको ऊपर ही मिलती है और एक अच्छी स्टेबल मार्केट मिलती है। देखें, कुछ भी सेफ नहीं है। अब आपके सामने अमेरिका था, अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हो गया, अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बताऊं। तो अभी का सिनेरियो है, अभी का ये सिनेरियो है कि मार्केट एक अभी भी अनसर्टेनिटी के मूव में बैठी हुई है, जिसकी वजह से गोल्ड ऐसे वक्तों में सिर्फ और सिर्फ किधर जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाता है। अब ऊपर जाएगा और हम अब क्या करेंगे, अब हमें पता नहीं है कि प्राइस और मजीद कितना ऊपर जाएगा। 2450 का ऑल टाइम हाई प्राइस ने लगा लिया, लेकिन प्राइस उसको भी ब्रेक कर सकता है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अच्छा, अनसर्टेनिटी में अब हम जो प्रीवियस हमारे हायर लोज थे उनको हम मार्क करते जाएंगे। अब उन वो जैसे प्रीवियस हायर लोज ब्रेक होंगे, उसके बाद हम पुल बैक एरिया मार्क करेंगे और फिर वहां से हम मजीद सेलिंग की ट्रेड लेंगे। एक बहुत बड़ी मार्केट में सेलिंग पड़ी हुई है, और तकरीबन मार्केट में 1500 पिप्स की जो है एक सेलिंग है मार्केट में, मिनिमम मिनिमम 1500 पिप्स की सेलिंग है, जो कि आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके बाद फिर हम H1 में आ गए। H1 में मैंने आपको एक क्लस्टर एरिया बता दिया, जैसे ही ब्रेक होगा तो फिर आप 2395 2400 से आप सेलिंग देख सकते हैं, 2405 से भी आप सेलिंग देख सकते हैं। प्राइस जितना ऊपर आ रहा है वहां से आप मार्टिंगल के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं, सेलिंग की अच्छी ट्रेड लेके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये वो ट्रेड्स बता रहा हूँ जिनसे आपका अकाउंट डबल, ट्रिपल, 4x, 5x, 6x, 10x भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं पाउंड में। पाउंड अपने हाईज पे जाता रहा है, जाता रहा है। एक अरसे बाद पाउंड ने अपने हाईज बनाने स्टार्ट करे, वरना पाउंड बहुत नीचे जा रहा था कुछ टाइम पहले। अच्छा, अभी पाउंड ने अपना ये एक स्ट्रॉन्ग पाउंड की रेजिस्टेंस है 1.2944 की। पाउंड अभी इसको टेस्टिंग कर रहा है और चांसेस ये हैं कि पाउंड इसको ब्रेक कर देगा। सही है, तो यहाँ पे अभी हम वेट करेंगे, जब इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम उस टाइम ट्रेड नहीं लेंगे, हम इसमें भी एक फॉल देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड इसमें देखेंगे 1.28943 से। ये हमारा ट्रेडिंग एरिया है पाउंड का। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑयल में।
अच्छा वाइल गया था 83 तक, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताया था। अभी वाइल ने क्या सिनेरियो बनाया, अभी वाइल अपनी सेलिंग दिखा रहा है यहाँ पे, अभी मजीद 82,500 से सेलिंग दिखा रहा है और सेलिंग प्राइस दिखा रहा है मुझे तकरीबन 80 तक की। अच्छा प्राइस कब बुलिश होगा, 82.844 को जब प्राइस ब्रेक करेगा तो फिर प्राइस प्रॉपर बुलिश होगा, सही है, फिर प्राइस दोबारा 83 तक जाएगा, फिर 85 तक भी चले जाएगा। अच्छा इसके बाद फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन की आपको फॉलोइंग बताई थी, सेलिंग बताई थी 69 से आपको बिटकॉइन में सेलिंग मैंने करवाई थी और बिटकॉइन का 53, 54, 55 तक बिटकॉइन गया और अच्छा लोगों ने प्रॉफिट गेन करा। कितने तो ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने एक ट्रेड में अपने $25,000 को $50,000 का अकाउंट बना लिया, मतलब $25,000 को प्रॉफिट करा उन्होंने। अच्छा इसके बाद फिर अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो है, इसका प्राइस जो है वो 65 के अबव जाएगा तो प्राइस बुलिश होने के चांसेस हैं, लेकिन बिटकॉइन ने हमें एक सेलिंग दिखा दिया तो 65 पे भी हम सेल कर सकते हैं, 69 पे भी हम सेल कर सकते हैं, ये दो हमारे पास सेलिंग एरियाज हैं। अच्छा यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं तो 161 पे पहुंच गया यूएसडी जेपीवाई और यहाँ से यूएसडी पीवाई ने जो फॉल दिया, इस फॉल को यूएसडी पीवाई ने एक्सप्लेनेशन इसकी बन रही है सेलिंग की। अच्छा अभी हम इस प्रोजेक्शन को देखते हैं 159 के ऊपर अगर प्राइस जाता है तो फिर हम दोबारा इसको बुलिश साइड पे देखेंगे, अदरवाइज हम इसको बेयरिश साइड पे ही देखेंगे। जितने भी एरियाज हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये एरियाज आपको बहुत मदद कर सकते हैं, एरियाज को अपने पास भी लगाएं ताकि आप लोग के पास जब एरियाज ब्रेक हो रहे हो तो आप इनको पुल बैक की तरह यूज करें और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। अच्छा फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यूएसडी कैड में, यूएसडी कैड फॉल हो रहा है और मजीद फॉल होगा यहाँ पे, इसमें इतना मजा है नहीं क्योंकि प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन दिखा रही है मुझे इसमें। अच्छा AUDUSD में आते हैं, AUDUSD भी बाइंग में जा रहा है और AUDUSD के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये भी एक सेल का मूव देगा और हम इसे बाय कहां से लेंगे, हम इसे बाय पकड़ेंगे, ये हमारा एरिया बनता है 0.66868 पे, ये आपके सामने एरिया है, इस एरिया से हम इसमें क्या करेंगे बाइंग लेंगे। अच्छा इसके बाद हम आते हैं USDT में, USDT की अपडेट है तो डाउ जोन्स में प्राइस आपको मजीद बुलिश जाता हुआ दिख रहा है, 40K का मैंने आपको बताया था कि 40K तक डाउ जोन्स जाएगा और ये आपके सामने 40K पे डाउ जोन्स खड़ा हुआ है, पहले भी गया था उसके बाद पे डाउन आया लेकिन अभी भी दोबारा खड़ा हुआ है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये 45K तक जाए, 43-44K तक जाए, उसके बाद फिर प्राइस में डंप आए। अभी तो प्राइस इसका बुलिश ही जाएगा, ये हो गया और नैस्डैक हो गया, दोनों बुलिश ही जाएंगे। बाकी फिर हम आ जाते हैं यूरोएसडी में, यूरोएसडी भी अपनी अच्छी रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ 1.09139 पे, ये जैसे ही ये ब्रेक हो करेगा फिर हम वेट करेंगे, हम सारी ट्रेड लेंगे रिट्रेसमेंट पे, रिट्रेसमेंट एरिया हमारा बन रहा है 1.0886 का, तो यहां से हम जो है रिट्रेस लेंगे प्राइस में और उसके बाद फिर हम मजीद इसमें बाइंग देख सकते हैं। बाकी फिर हम आ जाते हैं नैस्डैक में, नैस्डैक की क्या सिचुएशन रही थी दो दिन पहले, लेकिन अभी नैस्डैक क्या सिनेरियो बना रहा है, अभी नैस्डैक ने यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग पकड़ी। अच्छा इसको हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, इसको हम हमारी पुराना है जो पैटर्न था इसको हम एक जेल में बंद करेंगे, रेंज में बंद करेंगे, उसके बाद फिर हम इस पे मजीद ट्रेड लेंगे। रेंजिंग एरिया हमारे पास ये है 20478.41 और 20411.71, इन दोनों एरिया में से जिस भी साइड पे प्राइस ब्रेक करेगा उस साइड पे आप ट्रेड लेंगे, ये है आपके लिए नैस्डैक की टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को देख के सीख के समझ के कुछ अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। अच्छा अब आ जाते हैं जो लोगों से पूछ रहे थे आप किधर गायब हैं। अच्छा देखिए मैं कॉपी ट्रेडिंग में जो है VPS टेस्ट करने में लगा हूँ, VPS में कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से मुझे टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने हाशमी और आमिर को आपसे बात करने के लिए छोड़ा हुआ था, अपना व्हाट्सएप दिया हुआ था जिसमें वो आपसे कोऑर्डिनेशन करते रहे, अभी भी वो उनके पास ही है, वो आपसे कोऑर्डिनेशन करते रहे, कोई भी आपके पास क्वेरीज हो, कोई भी सवाल हो आपके आप पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो आपको जल्द से जल्द जितना हो सके रिप्लाई दे सकते हैं। और अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर आपने दो बंदे रखे हैं वो भी टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाते, तो देखिए मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह पाक के करम से वजाद हुसैन फैमिली मतलब हमारी जो ट्रेडिंग फैमिली है ये इतनी बढ़ चुकी है कि मेरे पास एट अ टाइम डेली 600 से 700 मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो भी इंसान है, उन वो भी थक जाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। कितने तो ऐसे जो बोलते हैं कि सर हम तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें तो ये हो रहा है, हमें तो एंजाइटी हो रही है, खैर इन सारी चीजों को छोड़ते हैं। और तो ये वाली चीजें थी, अभी मैं चीजें बैकएंड पे टेस्ट कर रहा हूँ और आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आपको ट्रेड कर रहा हूँ, जब से मैं आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ, उसके साथ साथ में जब से अपने पर्सनल अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, आज 15 जुलाई के दिन मैंने अपने बॉस से गोल्स अचीव कर लिए और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं शो ऑफ नहीं कर रहा। मैं शो ऑफ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नजर ये एक ऐसी चीज है कि मैंने जब जब शो ऑफ करा, मैंने जब जब कोई चीज दिखाई तो बैकफायर हुआ है, तो मैं इसलिए बहुत सी चीजें नहीं दिखा रहा। खैर मेरे लाइफ के अल्हम्दुलिल्लाह पाक के एहसान से बहुत सारे गोल्स अचीव हो गए, कुछ रहते हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, बाकी आप लोगों के भी गोल्स इंशाल्लाह अचीव होंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़ के रहें, जुड़ के ट्रेडिंग करें, बाकी अपने आपने के दुआओं में ख्याल रखेंगे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाते रहें, अपने भाई वजह से इनको दुआओं में याद रखें। फिर अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।